करते हैं। सानिया जी नमस्ते। नमस्ते सर। सानिया जी आपने कई ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने खेला है। आपको क्या लगता है कि टेनिस का चैंपियन बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में भी आप लोग उनके हीरो हैं और वो टेनिस सीखना चाहते हैं। जी सर, आई थिंक टेनिस एक ऐसा ग्लोबल स्पोर्ट है जिसमें जब मैंने स्टार्ट किया था 25 साल पहले, तो जाहिर ही बात है ज्यादा लोग टेनिस खेलते नहीं थे। लेकिन आज जैसे आप कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेनिस रैकेट उठाना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और जो बिलीव करते हैं कि वो टेनिस में एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। उसके लिए आपको जाहिर ही बात है मेहनत की जरूरत होती है, सपोर्ट, लगन और बहुत बहुत सारी आई थिंक डेस्टिनी भी एक रोल प्ले करती है इसमें। लेकिन मेहनत के और टैलेंट के बगैर कोई भी चीज में कुछ नहीं होता, चाहे वो टेनिस हो या कोई भी स्पोर्ट हो। और अब फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे हो गए हैं 25 साल पहले से अब तक, तो अभी तो बहुत सारे अच्छे स्टेडियम्स बन गए हैं, हार्ड कोर्ट्स हैं। तो मैं उम्मीद यही है कि और सारे बहुत सारे टेनिस प्लेयर निकले इंडिया से इंशाल्लाह। ओलंपिक में आपके साथी अंकिता रैनी के साथ आपकी पार्टनरशिप कैसी चल रही है? आप दोनों की तैयारी कैसी है? अंकिता एक यंग खिलाड़ी है, बहुत बहुत अच्छा खेल रही है हाल में और आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले विथ हर। हम लास्ट ईयर खेले थे फेब्रुवरी में, जो फेड कप के मैचेस थे और उसमें हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू ओलंपिक्स। जैसे मेरा चौथा ओलंपिक्स है, उसका पहला ओलंपिक्स है, तो थोड़ा सा अभी मेरे उम्र के साथ यंग पैरों की जरूरत है, तो आई थिंक वो प्रोवाइड कर सकती है। सानिया आपने पहले भी स्पोर्ट्स के लिए सरकारी विभागों में के उसके कामकाज को भली भांति देखा है। पिछले 5 6 साल में आपको क्या बदलाव महसूस हुआ है? जैसे मैंने कहा, आई थिंक 5 6 साल नहीं, अब जब से हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है सर, तब से आई थिंक कि बिलीफ जो आ गया है कि हमारे कंट्री में से क्रिकेटर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो देश के लिए नाम कमाते हैं और देश के लिए बहुत अच्छे देश को बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचाते हैं। आई थिंक वो बिलीफ धीरे धीरे लास्ट 5 6 साल में और भी बढ़ गया है। और आप तो गवर्नमेंट और से हमें हमेशा ही सपोर्ट मिलता है। मैं आपसे जब पर्सनली भी मिली हूँ, आपने हमेशा मुझे यही कहा है कि आप हर चीज में साथ देंगे। तो इसी तरह 5 6 साल में बहुत कुछ हुआ और ओलंपिक लास्ट ओलंपिक से अब ओलंपिक्स तक भी काफी सारा फर्क है। मैं 2 साल ऑफ थी, जाहिर बात है जब मेरा बच्चा हुआ था, तो लेकिन तब से लेके अब तक मैं जो लास्ट ईयर से आई हूँ, मुझे बहुत सारा फर्क नजर आया। सानिया आप चैंपियन भी हैं, फाइटर भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस ओलंपिक में ज्यादा बेहतरीन और सफल खिलाड़ी बनकर उभरेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।